बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यूट्यूब फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक दफ़ा फिर से बाज़ों के बहुत खूबसूरत से डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग बाज़ों की स्टाइलिश सी लॉन के सूटों के जो बाज़ू हैं उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े स्टाइलिश फैंसी बनाने हैं तो आप वो भी किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आजकल आप सब लोग ही जानते हैं कि आजकल बाज़ों में जो है वो कट वर्किंग का, कट स्टाइल का बहुत ज़्यादा फैशन है। डिफरेंट स्टाइल्स के साथ बाज़ों के आप लोग डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी कट वर्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। कट वर्किंग आप लोग पिको वालों से भी डिफरेंट स्टाइल्स में करवा सकते हैं, और आप लोग ये देख सकते हैं ऑर्गेन्जा के कपड़े के साथ भी आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की जाती है। डोरी की लूप्स को आप लोग बना सकते हो, उसके अलावा आप लोग ज्वाइंट लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज्वाइंट लेसेस भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। पिनटेक्स अगर आप लोग बनाना चाहते हो, आप लोगों का बाजू जो है वो थोड़ा सिंपल है, तो आप लोग इस तरीके से देखें, प्रिंटेड सूट की भी पिनटेक्स बना के दिखाई गई हैं, कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। उसके अलावा सीडी लैस देखें लगाई गई है, शटल की लैस लगाई गई है। इन छोटी छोटी चीज़ों का मिक्स एंड मैच करते हुए यहाँ पे आप शटल लैस पिनटेक्स का देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कफ स्टाइल में देख सकते हैं, चुनट भी हैं, उसके अलावा कफ भी बनाया गया है, और साथ में जो है वो पिनटेक्स भी बना दी गई हैं। अगर आप लोग कट वर्किंग स्टाइल में करवाना चाहते हैं तो कट वर्किंग में भी आप लोग लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टसल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनके साथ आप लोग अपने बाज़ों के डिज़ाइंस को खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। देख सकते हैं जी पिनटेक्स बनाई गई और साथ में उसके ऊपर क्या किया गया है, पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया है। डोरी की लूप्स का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, डोरी की लूप्स को आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स में बना सकते हैं, पर्ल्स का आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी कितनी खूबसूरती के साथ पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया है, ऑर्गेन्जा का कपड़ा यूज़ करके दिखाया गया है, फ्रिल्स बनाकर दिखाई गई हैं। इस तरह की मार्केट में फ्रिल्स जो हैं वो बनी बनाई भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग खुद नहीं भी बनाना चाहती कि आप लोगों को मुश्किल है खुद बनाने में, तो मार्केट से जाएं और बनी बनाई फ्रिल्स जो हैं वो ले आएं। उसके अलावा आप लोग टसल्स भी प्यारे प्यारे से ले सकते हैं। ये देखें टसल्स की शेप बनाई गई है, टुकड़ियों की शक्ल में आप लोग बना सकते हैं। उसके अलावा लेसिस का इस्तेमाल, डिफरेंट स्टाइल्स की आजकल मार्केट में लेसिस भी अवेलेबल हैं। कफ स्टाइल में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग कफ स्टाइल नहीं भी बनाना चाहते तो आप लोग सिंपल ऑर्गेन्जा का कपड़ा लेकर उसकी आप लोग रफल बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ कि प्लीज़ व्यूवर्स आएँ, चैनल को विज़िट कीजिए। एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ढेर जो हैं वो आइडियाज़ देखने को मिलेंगे कि आप लोग किस किस तरीके से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉन का, कॉटन का, मेहंदी के फंक्शन का, शादी के फंक्शन का, स्टाइलिश। अगर आप लोगों को बच्चियों के बनाने हैं आप लोग वो भी एक दफ़ा ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक तमाम लेटेस्ट न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।